आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में शारदीय नवरात्र आराधना के द्वितीय दिवस गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने की प्रातः काल माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना। सायंकाल में गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने की देवी की पूजा। जनपद के जर्जर भवनों को चिन्हित करके ध्वस्तीकरण करने का जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दिया निर्देश। सीडीओ संजय कुमार मीणा ने दी जानकारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि उनके यात्रा से भाजपा को किसी तरह का नहीं होगा नुकसान, बल्कि कांग्रेस को ही हो रहा है नुकसान, टूट रही है कांग्रेस पार्टी। पशुओं को लंपी स्किन रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराए जाने को लेकर सीडीओ संजय कुमार मीणा ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, प्रचार वाहन गांव-गांव जाकर लोगों को लंपी बीमारी से करेगा जागरूक। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने शारदीय नवरात्रि की गोरखपुर वासियों को दी शुभकामना। मां से सभी के लोक कल्याण व सुख समृद्धि की कामना। सीडीओ संजय कुमार मीणा ने संचारी दस्तक अभियान के कार्यों की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। मंगलवार को हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी व उमस से मिली राहत। जिला आपदा विशेषज्ञ ने कहा, जनपद में अगले कुछ दिनों तक छिटपुट वर्षा की है संभावना। और शारदीय नवरात्र पर दूसरे दिन भक्तों ने गोलघर काली मंदिर पहुंचकर मां की पूजा अर्चना, परिवार के लोक कल्याण की कामना।